दोस्तों आज का दिन यानी कि 16 अगस्त 2019 में सीबीएसई द्वारा ये प्रेस रिलीज किया गया जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो रिगार्डिंग सीटेट दिसंबर 2019 और एक डेट अनाउंस की गई 8 दिसंबर 2019 के लिए। जी हाँ, कि अगला जो सीटेट होने वाला है वो 8 दिसंबर 2019 में संडे के दिन होने वाला है। बात कर लेते हैं इस नोटिस के बारे में। वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन, दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी व्यूअर्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा और ऑल स्टडी मटेरियल जो भी हमने प्लेलिस्ट में डाला है वो आपने पढ़ा होगा, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों अगर मैं इस प्रेस रिलीज की बात करता हूं तो ये एक 13th हमारा सीटेट का एग्जाम होगा जो कि 8 दिसंबर 2019 में होने वाला है। 20 अलग अलग लैंग्वेजेस में, 110 अलग अलग सिटीज में ये कंडक्ट किया जाएगा। ऑफिशियली तौर पर ये नोटिस आप देख सकते हो www.ctet.nic.in की वेबसाइट पर 19th अगस्त 2019 से। अगर सीटेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो वो 19 तारीख से ही ओपन हो जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम 19th अगस्त 2019 टिल 18th सितंबर 2019। फाइनली पेमेंट की अगर बात की जाए सो 23rd सितंबर 2019 में शाम को 3:30 बजे तक आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक नोटिस है और ये एक मौका है जिन कैंडिडेट्स ने या जो कोई कैंडिडेट जो रिसेंट में अभी जुलाई में हमारा 7th जुलाई में सीटेट हुआ था वो क्लियर नहीं किया है, सो ये एक मौका है उनके लिए कि वो अच्छे से अभी से आज ही से प्रिपरेशन स्टार्ट करें और एक स्नैरियो बनाए, एक स्ट्रेटेजी बनाए ताकि 8 दिसंबर 2019 में होने वाला सीटेट एग्जामिनेशन आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकें। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।